और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें विस्तार से भी देखेंगे। इंदौर का जिक्र करते हैं, 85 लाख के साइबर फ्रॉड की जांच कर रही पुलिस ने नया खुलासा किया है। साइबर पुलिस के मुताबिक 15 फर्जी अकाउंट में महज 5 महीने में 138 करोड़ जमा किए गए थे। डिलीवरी बॉय राकेश कुमार त्रिपाठी के खाते में 12 करोड़ जमा किए गए थे और बैंक के सियागंज इंडस्ट बैंक के सियागंज ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद जाबाज ने पूछताछ में अब तक 35 फर्जी अकाउंट खोलने की बात को स्वीकारा है। राकेश का भी अकाउंट मोहम्मद जाबाज ने ही खोला था और इस अकाउंट के एवज में राकेश को हर महीने 1 लाख की रकम दी जा रही थी। और मैनेजर मोहम्मद जाबाज के सीनियर को कुछ दिन पहले फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसने गढ़वाल एंटरप्राइजेस नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला था। इस अकाउंट में 3 महीने से 7 करोड़ की रकम ट्रांसफर हुई थी। जांच में ये बात सामने आई है कि साइबर फ्रॉड की रकम को रखने के लिए अलग अलग राज्यों में फर्जी अकाउंट खोले गए थे और सोशल मीडिया और टेलीग्राम के माध्यम से दुबई, कनाडा, अमेरिका में बैठे ठग लाखों रुपए में इन करंट अकाउंट को खरीदते थे। राकेश का अकाउंट आरके एंटरप्राइज के नाम से था और इसे दुबई से संचालित किया जा रहा था। दर्शाया गया था राकेश कुमार त्रिपाठी को जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पाया कि वो एक डिलीवरी बॉय है और वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो फर्जी करंट अकाउंट्स खुलवाता है और उन्हीं के संपर्क में आके पैसे के लालच में उसने इस फर्जी करंट अकाउंट को संचालित किया और उसमें राकेश त्रिपाठी से पूछताछ के आधार पर ही इंडसइंड बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जाबाज की भूमिका आई जिसको गिरफ्तार किया गया। और मोहम्मद जाबाज से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें यह पता चला कि उसने लगभग 35 करंट अकाउंट्स खुलवाए हैं और उनको जो फर्दर उसकी ट्रेल देखी गई तो उसमें से 15 अकाउंट राज्य की विभिन्न राज्यों की एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराए गए हैं और इस पर्टिकुलर खाते में भी बड़ी मात्रा में राशि, लगभग 12 करोड़ की राशि जो है इस वर्ष अभी तक आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, साइबर फ्रॉड की जांच लगातार चल रही थी, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और कई सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं, साथ ही साथ यहां पर बड़ा लेन देन, बड़ी राशि का ट्रांसफर भी यहां पर हुआ है। अभी आपके पास क्या जानकारी है ज्यादा? देखिए, साइबर फ्रॉड को लेकर एसपी जितेंद्र सिंह खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें बड़ा अपडेट ये है कि जिस 35 अकाउंट की अभी बात की कर रहे थे एसपी जितेंद्र सिंह, उसमें से 15 अकाउंट को अलग अलग राज्यों की पुलिस ने उसे फ्रीज कर रखा है और उन 15 अकाउंट में पिछले 5 महीने में करोड़ों रुपये आए, लगभग 138 करोड़ रुपये। यानी साइबर फ्रॉड के 15 खातों में 5 महीने में 138 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये बहुत बड़ी राशि है और ये सिर्फ 15 खातों में, 20 खातों की भी जानकारी आना बाकी है क्योंकि वो 20 खाते फ्रीज नहीं है। अब इन खातों की बाकायदा परचेस किया जाता है, टेलीग्राम और तमाम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें दुबई, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे बैठे हुए लोग उस अकाउंट को, जो फर्जी फर्म अकाउंट खोला जाता है वो करेंट अकाउंट होता है, उसको बाकायदा खरीदा जाता है या जो लोग यहाँ पर फर्जी अकाउंट खोला के अपने नाम पर देते हैं उन्हें महीने का 1 लाख रुपए दिया जाता है। ये डिलीवरी बॉय जो है राकेश त्रिपाठी, उसे भी महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा था और ये खाता किसने खोला था? खाता खोला था इंडसइंड बैंक के जो पब्लिक मैनेजर हैं, पब्लिक रिलेशनशिप जो वहां मैनेजर हैं, जो बिजनेस देखते हैं, उन्होंने ये खाता खोला था जिसका नाम है मोहम्मद जाबाज। जब मोहम्मद जाबाज से पूछताछ हुई तो पता चला कि मोहम्मद जाबाज ने ऐसे 35 अकाउंट खोल रखे और जो उनके सीनियर हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे अकाउंट खोले थे, उन्हें फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो गढ़वाल एंटरप्राइजेस का जो खाता खुला था उस मामले में उनकी गिरफ्तार हुई थी। यानी गढ़वाल एंटरप्राइजेस में 7.5 करोड़ रुपए जमा हुए थे 2 महीने में और यहां पे जो डिलीवरी बॉय उसके खाते में 2.5 महीने में 12 करोड़ रुपए जमा हुए थे और यहीं से ये पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी। लेकिन शिकायत जो है इसमें, शिकायत इंदौर के फरियादी हैं, उन्होंने 85 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड को लेकर स्टेट साइबर पुलिस को शिकायत की थी कि उनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 85 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। जैसे ही 85 लाख रुपए फ्रॉड की छानबीन शुरू होती है एक बड़ा रैकेट सामने आता है और ये रैकेट जब सामने आया इसमें 8 से 10 राज्यों के अलग अलग लोगों के नाम आ चुके हैं, सैकड़ों अकाउंट आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें बैंक के बड़े पद में जो लोग बैठे हैं उनकी भूमिका लगातार सामने आ रही है। यूको पिपलियाना बैंक में ऐसे 4 अकाउंट मिले हैं जिसे अलग अलग राज्यों द्वारा फ्रीज किया गया क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है और ये बकायदा एक रैकेट चल रहा है। यानी आप एक फर्जी अकाउंट खुलाइए 3 से 5 हजार रुपए में, महीने का आपको 1 लाख रुपए मिलेगा सिर्फ इस नाम पे कि आप अपना अकाउंट खुला के दे रहे हैं, लेकिन जो अकाउंट खुलवा के लिया जाता है उसमें करोड़ों रुपए फ्रॉड के पैसों का
ट्रांजेक्शन किया जाता है। और ये जो खाते हैं, ये सारा खाता जो है ये ऑपरेट हो रहा है दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से, यानी जो इनके मास्टर माइंड है वो भारत से बाहर बैठे हुए हैं। यूजर नेम पासवर्ड ले लेते हैं और इस तरीके से बड़ा फ्रॉड। यहाँ पे काम डिलीवरी बॉय का और करोड़ों रुपए की ठगी, बड़ी मिली भगत, कई लोगों के शामिल होने की भी यहाँ पर जानकारी, गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ खुलासा और भी होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जिवाजी यूनिवर्सिटी से बड़ी लापरवाही सामने आई। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स की कॉपियां एक बार फिर गायब हो गई हैं। ये कॉपियां जांच के लिए भेजे जाने के दौरान रास्ते में चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि कॉपियों को डाक के जरिए भेजा गया था। अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन डाक विभाग से जानकारी मांग रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के मुताबिक बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी महीने में आयोजित की गई थी। इसके बाद कॉपियों को मूल्यांकन के लिए भेजा गया था। अलग अलग विषय की कॉपियां अलग अलग मूल्यांकनकर्ता के पास भेजी थी। इसी क्रम में बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की 50 और बीएससी ऑनर्स की 18 का दो बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजा गया था। लेकिन ये कॉपियां भिंड नहीं पहुंची। जब मूल्यांकनकर्ता ने इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या इसमें सामने आता है। हालांकि जब शिकायत हुई है तो ये लापरवाही भी उजागर हुई। बीकॉम ऑनर्स की कॉपियाँ थी जिनको हमने भिंड कॉलेज में मूल्यांकन के लिए भेजा था। तो और ये जो है केंद्र सरकार की पोस्ट ऑफिस की स्पीड पोस्ट से हमने इन कॉपियों को भेजा था। इन कॉपियों को अब ऐसा कॉलेज में पता चला है, भिंड से सूचना आई है कॉलेज से कि हमको ये कॉपियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। तो उन कॉपियों को हमने खुजवाया तो पोस्ट ऑफिस से भी संपर्क किया तो उनका कहना है कि कॉपियाँ कहीं मिसप्लेस हो रही हैं। क्या आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है? अब इस तरह का एक, चूंकि ये केंद्र सरकार की विभाग है तो ये बहुत विश्वसनीय विभाग है। अब कैसे हो गया क्या हो गया ये जांच का विषय है, लेकिन अगली बार हम ऐसे करेंगे कि जो। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, यूनिवर्सिटी की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, आखिर क्या कुछ अब तक सामने आ पा रहा है मामले में? बिल्कुल सही बात। देखिए, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपनी जो कॉपियां थी बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की, ये जांच के लिए स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड रवाना की थी। लेकिन भिंड जिस कॉलेज में ये जांच के लिए भेजी गई थी, मूल्यांकन के लिए भेजी गई थी, वहां नहीं पहुंची। जब ये जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली तो कहीं ना कहीं इस मामले की जाँच शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की 50, इसके अलावा बीएससी ऑनर्स की 18 के दो बंडल जो है स्पीड पोस्ट से ये बीच में गायब हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें प्रारंभिक तौर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा स्पीड पोस्ट जो भारतीय डाक विभाग का है उस पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि अब इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि अब जब ये कॉपियां गायब हो गई है तो अब इनमें जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जो छात्रों की कॉपियां हैं उन छात्रों को एवरेज अंक दिए जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं उन छात्रों को ज्यादा नुकसान हो सकता है कि जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, और उन छात्रों को फायदा मिलता है कि जिन छात्रों का रिजल्ट खराब होने की आशंका थी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। बात करते हैं शेड्यूल की, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से एम्बुलेंस में नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे थे। 4 की गिरफ्तारी, अब इनसे पूछताछ भी जारी रहेगी। दरअसल एम्बुलेंस से ये तस्करी कर रहे थे, हालांकि कितने वक्त से ये तस्करी कर रहे थे ये जांच पड़ताल का विषय है। भिंड में बुजुर्ग की हत्या की गई है, धारदार हथियार से मर्डर किया गया, पुरानी रंजिश में हत्या हुई है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, जांच पड़ताल जारी है कि आखिर बुजुर्ग की हत्या क्यों की गई, किसने की गई है। धारदार हथियार से हत्या की गई, मौत के घाट उतार दिया गया बुजुर्ग को। फिलहाल जांच का विषय है किसने और क्यों इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मुरैना का जिक्र करेंगे, नगर निगम कर्मचारियों का धरना यहां पर हुआ है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं कर्मचारी, वेतन की मांग को लेकर धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी कर्मचारियों के द्वारा दी गई है। दरअसल वेतन की मांग ये कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के धरना इनके द्वारा दिया गया, और अब अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो हड़ताल की भी चेतावनी ये दे रहे हैं।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।